हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो है होंडा के साइन 125 तो इसका वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि आपको इसमें हम इसका कुछ फीचर्स दिखा देंगे और इसके जो भी डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और कितना का ईएमआई आएगा, इस सब के बारे में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा होंडा साइन 125। तो वैसे ये दो वेरियंट में आता है, एक जो ड्रम वेट वाला वेरियंट है वो, और एक जो डिस्क वाला है वो। तो जो ये वाला वेरिएंट है वो डिस्क वाला ही है। तो हम जो आपको प्राइस बता मतलब डाउन पेमेंट ईएमआई बताएंगे वो आपको डिस्क वाला में ही बताएंगे, और ड्रम वाला का जो है वो यहाँ पर तो नहीं है, नीचे में होगा। तो हम आपको जो बताएंगे वो डिस्क वाला का जो ईएमआई और फाइनेंस वाला डिटेल बताएंगे वो आपको डिस्क वाला का ही बताएंगे। तो इसमें वैसे दो चार कलर आते हैं, जो कि मरून है, ब्लैक और ये ग्रे, और एक दो कलर और आता है, तो वो तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। और एक बात बता देते हैं कि जो इसका इंजन है, मतलब साइन 125 का इंजन है और जो एसपी 125 है, ये दोनों में सेम ही इंजन आता है। तो आपको जो पावर, परफॉर्मेंस और जो माइलेज है वो सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बहुत कुछ अलग है, जिसकी वजह से इसका प्राइस कम है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में बता देते हैं, बस अभी ही बता देते हैं, बाद का क्या वेट करेगा। तो सबसे पहले तो इसका डिजिटल मीटर आ जाता है, जो कि इसमें पूरा एनालॉग है और एसपी में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। और फिर जो मेन उसका खासियत है कि उसमें जो डिज़ाइन है, साइन में तो आपको पूरा सिंपल वाला डिज़ाइन मिलता है, उसमें आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू साइन 125। लेकिन देखा जाए तो ये ज़्यादा पहले से चलते आ रहा है और लगभग बहुत लोग को पसंद भी आता है, तो यही है। तो चलिए इसका थोड़ा फीचर्स के बारे में दिखाते हैं। तो उसमें है, बल्कि एसपी में आपको जो लाइट है वो एलईडी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डिस्क वाला वर्जन है और ड्रम वाला वर्जन है, दोनों में भी आपको केवल हाइलोजन ही बल्ब देखने को मिलेगा। इसका इंडिकेटर जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड प्लास्टिक का ही है, और इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट के साइड में, और यहाँ पर है इसका रिफ्लेक्टर, और ये रहा इसका डिस्क। जो टायर है उसमें आपको 80, 100, 18 यानी कि 18 इंच का अलॉय आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो इंजन है उसमें आपको 124 CC का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 10.59 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है 7.500 RPM के हिसाब से, और 11 Nm का टॉर्क देता है 6000 RPM के साथ में। और फिर इसका जो टैंक है उसमें आपको 10.5 लीटर का टंकी देखने को मिलेगा, लेकिन वही है कि इसमें माइलेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, सेम एसपी की तरह। यानी कि इसमें तो आपको डिजिटल मीटर नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन उसमें डिजिटल मीटर है इसलिए दिख जाता है कि उसमें मतलब जो माइलेज है वो कितना दे रहा है। तो उस हिसाब से माइलेज भी सेम देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी क्लेम करती है 60+ का, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका 65-70 तक जाता है, लेकिन वो मीटर में जाता है, नॉर्मल लोगों को 60 का ही माइलेज मिल पाता है। और यहाँ पर इसका किक, और इसमें किक और सेल्फ दोनों ही हैं। और फिर यहाँ पर इसका जो साइलेंसर प्रोटेक्टर है वो आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि ये ब्लैक वाला कलर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है ये जो क्रोम फिनिश है वो वाला। जो रियर साइड का चक्का, इसमें भी आपको फ्रंट की ही तरह 80, 100, 18 इंच का सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। और पीछे की साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो इतना का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं फर्क देखने को मिलेगा इसमें। और पीछे के साइड में 130 Nm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और इस साइड पर इसका बल्ब और ये बैक लाइट, ये भी आपको हाइलोजन ही देखने को मिलेगा, इसमें कहीं पर भी आपको एलईडी बल्ब का सेटअप नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, ये रिफ्लेक्टर। और इसका जो एक अच्छी बात है कि इसमें भी जो सीट है वो काफ़ी लंबा है और बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब अच्छा खासा लंबा है, चलाने में पावर भी गाड़ी अच्छे देती है। और फिर इस तरफ आप इसका साइन का जो लोगो है वो देख सकते हैं, वैसे ये वाला स्टीकर है केवल। और यहाँ पर इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि कपड़ा ऊपर अंदर जाने का खतरा नहीं है, इसको वैसे साड़ी गार्ड बोला जाता है। और यहाँ पर इसका लोगो स्टिकर, जो कि बहुत पहले की तरह ही सिमिलर है। और यहाँ पर इसका गियर, जो कि आपको 5 स्पीड देखने को मिलता है, एक डाउन और बाकी 4 ऊपर की तरफ में। और इसमें हॉर्न, ये छोटा सा हॉर्न है जो कि साउंड ठीक ठाक निकाल देता है।
जो कि इसमें साउंड को लेकर कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा इसका बटन, ये रहा इसमें फ्यूज स्विच ऑन ऑफ, और इसमें स्टार्ट करने का स्टार्टिंग वाला बटन भी इसी में है। और लेफ्ट साइड में इसका हॉर्न और ये इंडिकेटर लाइट, और इसका जो यहाँ पर लो बीम हाई बीम करने वाला है वो इसको आगे की तरफ दे दिया गया है, यानी कि ये आपका हाई बीम हो गया, ये लो बीम और ये पासिंग लाइट। और इसका मीटर में आप देखिएगा तो फुल्ली एनालॉग है, कोई भी डिजिटल सेटअप इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपका दिखा देगा कितना किलोमीटर चला हुआ है, यहाँ पर इंडिकेटर, ये लाइट का हाई बीम है, लो बीम है, और ये फ्यूल। बस इतना ही इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा मीटर के में आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी सिंपल लुक में नज़र आता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा फीचर है जिसके कि इस गाड़ी में ज़्यादा बेहतर है कंपेयर करिए अगर आप SP से भी, तो क्योंकि बहुत लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है डिजिटल मीटर का, वो सिंपल तरीक़ा से यूज़ करते हैं। तो वैसे में एक चीज़ का बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जैसे आप अगर आप डिजिटल मीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जैसे कुछ ख़राब हो जाए डिजिटल मीटर में, जो ख़राब हो जाएगा मतलब जो लोग SP लिए हैं वो लोग के लिए काफ़ी महंगा खर्च पड़ जाएगा, लेकिन वही जो लोग एनालॉग का है यानी कि इस तरह से नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता है, ये सिंपल सा कुछ मतलब अगर पूरा मीटर भी ख़राब हो जाता है आपका तो भी 500 के अंदर में भी ठीक हो सकता है, लेकिन वही अगर इसमें आ जाइएगा तो इसमें खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इतना कि कराने का मन भी नहीं करे। तो यही है इसका कुछ लुक। तो अब आपको बताते हैं इसका जो डाउन पेमेंट, EMI और ऑन रोड प्राइस, ये सब के बारे में। तो हम जो अभी प्राइस बताने वाले हैं ये दरअसल अक्टूबर तक, मतलब सितंबर तक का प्राइस है, फिर अक्टूबर के बाद हमको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, यानी कि एक मतलब दो चार दिन में शायद जो अभी हम प्राइस बता रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ेगा प्राइस। तो जो इसका ड्रम वाला वर्जन है उसका प्राइस है 95,272। तो ये वाला वैसे ड्रम नहीं, ये वाला डिस्क है, तो डिस्क वाला का प्राइस है 99,625। तो और इसके साथ साथ और भी कुछ आ जाता है खासकर होंडा में कि EWMC टेफकोड एक्सेसरीज़। और पहले ही बता दें कि गाड़ी आप केवल ऑन रोड में भी ले सकते हैं, बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो EW का काम होता है आपका इंजन का वारंटी को बढ़ाने का, और AMC का काम होता है आपका जो एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, यानी कि जब सर्विस करवाते हैं तो नॉर्मली 3 सर्विस जो फ्री देता है उसको बढ़ा के 5 कर देता है, और जो टेफकोड वो 5 पॉलिश दे देता है, फ्री नहीं करता है क्योंकि 500 रुपये आपसे ले रहा है तो पे तो किए ही है। और एक्सेसरीज़, जो कि एक्सेसरीज़ में क्या क्या आता है कंपनी की तरफ से, सीट कवर आता है, आपका हैंड ग्रिप आ जाएगा, और एक लेग गार्ड आ जाएगा, और भी अलग से लगवाइएगा तो उसका अलग चार्ज है, लेकिन कंपनी की तरफ से बस यही आता है। तो इसका जो प्राइस है वो बता दे रहे हैं कि EW का प्राइस है 694 रुपये, AMC का प्राइस है 744, और टेफकोड का प्राइस है 500 रुपये, और एक्सेसरीज़ का प्राइस है 1403 रुपये। तो आप बता देते हैं कि इसका जो डाउन पेमेंट है वो मतलब कितना होगा। तो मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम 20% तक मांगता है, तो अगर आप 20% देते हैं तो यानी कि 20,000, तो आपका 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 4,370, और फिर 3 साल का EMI है वो आ जाएगा 3,203, और 4 साल का EMI है वो आ जाएगा 2,595 रुपये। तो कुछ कुछ का होता है ना, जैसे कि बैंक कंडीशन ख़राब रहता है, मतलब सिविल स्कोर सब अगर वो ख़राब है तो ऐसे में कम से कम 35% तक मांगता ही है, तो अगर उसे ऊपर करिएगा तो मतलब हम 40,000 का बता रहे हैं उस हिसाब से, तो 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 3,272, और 3 साल का EMI आ जाएगा 2,402, और 4 साल का आ जाएगा 1,943। और अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है तो वैसे में आप कम करवाने के लिए कोशिश करिए कि 50% से ऊपर तक का पे करें, मतलब जो डाउन पेमेंट है वो पे करें। तो वैसे में अगर 60,000 दे रहे हैं तो 2 साल का आ जाएगा आपका 2,174, 3 साल का आ जाएगा 1,596, और 4 साल का आ जाएगा 1,291। तो इस ये था इसका पूरा जो भी डाउन पेमेंट और EMI। इसके अलावा अगर आप मतलब एक डिटेल बता देते हैं कि जैसे आप अगर कहीं और से फाइनेंस करवा रहे कोई, तो इसका 2-4 कंपनी है हम जो बता रहे हैं, वो चोलामंडलम का है शायद, तो उसका प्राइस ये है, और कुछ कुछ अलग हो जाता है, जैसे बहुत सारे कंपनी का होता है कि क्या बोलते हैं जो जितना फाइनेंस करवा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा लगता है, यानी कि 3-4% का प्रोसेसिंग फी ले लेता है, और हाइपोथिकेशन
और भी कुछ कुछ होता है, वो चीज़ तो उतना भी डिटेल से नहीं पता है, लेकिन ये सब है। और अगर आप फाइनेंस करवा ही रहे हैं तो उसका जो पेपर है वो बता देते हैं कि फाइनेंस करवाने जाएगा तो आपका बैंक पासबुक लग जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो लग जाएगा। और केवल कैश लेने जा रहे हैं तो केवल आधार और पैन से भी काम चल जाएगा। तो यही था आज का ये वीडियो, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।